क्या आपकी स्किन में भी है ओपन पोर्स, लार्ज ओपन पोर्स, एक्ने मार्क्स एंड इवेंचुअली जो एक्ने स्कार्स की फॉर्म ले चुके हैं? देन डोंट वरी, ओपन पोर्स सबकी स्किन में होते हैं इंक्लूडिंग मी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्किन में भी छोटे 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 पोर्स हैं जिनको आप रोम छिद्र कहते हो, जो कि सबकी स्किन में होते हैं छोटे बच्चों को छोड़ के। छोटे बच्चों को क्यों नहीं होते? छोटे बच्चों को इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट ही नहीं होते। अगर आपके ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट नहीं हैं, इसका मतलब आपकी स्किन को ना ही ऑयल सिक्रीट करना है, ना ही स्वेट रिलीज करना है, ना ही टॉक्सिन्स निकालने हैं, तो नेचर हमें क्यों देगा ओपन पोर्स? इसलिए हम जैसे ही एडल्ट होते हैं वैसे ही हमारे ओपन पोर्स डेवलप हो जाते हैं। जब हमारे ओपन पोर्स डेवलप हो जाते हैं तब हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे ओपन पोर्स लार्ज ओपन पोर्स डील हो सकते हैं अगर हम अपनी स्किन की केयर ना करें। तो हमारी स्किन भी बहुत जिद्दी होती है, वो बोलती है अगर तुम मेरी केयर नहीं करोगे तो मैं सुंदर नहीं लगने वाली। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी स्किन की कैसे केयर करनी है, वो भी डिस्कस होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी जिसको अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी स्किन में इंप्रूवमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, सन एक्सपोजर कम से कम रखना है, वो आपकी स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। दूसरा, सनस्क्रीन जरूर लगाना है क्योंकि वो हमारी स्किन की एक रिक्वायरमेंट है। तीसरा, मॉइस्चराइजर दिन में दो बार लगाना है, चाहे आपकी स्किन का कोई भी टाइप है, मॉइस्चराइजर आप दिन में दो बार लगाना। आपकी स्किन को बार बार टच नहीं करना क्योंकि उससे भी ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है। लास्ट, आपको अपनी स्किन में कुछ भी ऐसा नहीं लगाना जो कि आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा। सूट नहीं कर रहा, डिसकंटिन्यू कर दीजिए, बीट एनीथिंग। डॉक्टर्स के पास इसकी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, माइक्रो नीडलिंग इज वन ऑफ दोज जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है, तो हर बार हम उस वाले ऑप्शन को कंसीडर नहीं कर पाते। तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ ये वाली रेमेडी कैसे करनी है, इस वाली रेमेडी को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मुझे कितना पसंद है, आई हैव स्पोकन अबाउट इट 100 टाइम्स ऑन दिस चैनल, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरे घर में इस वक्त दो तरह के एलोवेरा प्लांट हैं, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। तो मैं फटाफट से छत में भागी और मैंने अपना एलोवेरा प्लांट का एक लीफ जो है वो निकाल दिया। इसका येलो पार्ट हमें हटाना है क्योंकि उसमें होता है लेटेक्स जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमने इसके साइड से कांटे हटाए। जेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कहते हैं कि मैंने तो काटा था उसमें से जेल नहीं निकली थी। जितना भी पल्प होता है उसको हॉरिजॉन्टल और इस तरह के वर्टिकल कट्स जब आप मारेंगे तो आपका अच्छा खासा एलोवेरा का जेल निकल जाएगा। जब आपका एलोवेरा का जेल अच्छे से निकलेगा आप इसे ऐसे से रगड़ना, उसके बाद आप इसे पूरे फेस पे ऐसे ही मलना जैसे कि मैं इस वक्त आपको वीडियो में दिखा रही हूं। यहां पे क्या हो रहा है, हमारा फेस पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्लांट वाले एलोवेरा जेल के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, यहां पे आप कोई भी फेस वॉश जो है वो भी लगा सकते हैं। फेस वॉश की जब भी बात आती है, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गाइज आस्क्ड मी कि आप कौन सा फेस वॉश लगाते हो मुझे बताओ। मैं जो फेस वॉश लगाती हूँ फिलहाल वो ये है, लेकिन पहले जो मेरा पुराना फेस वॉश था जो कि मैं अपनी टीनेज से लगाती आ रही थी वो था हिमालय का फेस वॉश। हालांकि मार्केट में अभी बहुत सारे ऐसे फेस वॉश हैं जो कि रेटिनॉल वाले फेस वॉश हैं, नाइसिनामाइड वाले फेस वॉश हैं, बट इनमें से मैंने कोई भी एक्सप्लोर नहीं किया तो मैं उसके बारे में आपको कोई भी गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी। लेकिन अगर कभी किया तो डेफिनेटली आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन माई फ्यूचर वीडियोज। अगर किया तो मैं आपसे पक्का उस बारे में बात करूंगी। तो हमने यहाँ पे अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे अपना एक फेस मास्क। अब इस वाले फेस मास्क की क्या खासियत है, ये वाला जो फेस पैक है ये है कॉलेजन रिच। अगर कोई कॉलेजन रिच फेस पैक हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं तो क्या होगा, स्किन टाइटन अप होगी और जहाँ पे हमारी स्किन टाइटन अप हो रही है हमारी स्किन के पोर्स का अपीयरेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑयल सिक्रीशन कैसे कंट्रोल करना था समझ लिया। उसके बाद आता है हमारा स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट कैसे दे रहे हैं इस वाले मास्क से। उसके लिए हमें चाहिए एक बनाना, ऑब्वियसली हम पूरा बनाना तो लगा नहीं सकते, तो मैंने इसका एक बड़ा सा पीस निकाल लिया और उसको स्पून से ऐसे मैश 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 कर दिया। जितना ज़्यादा आप इसका कुचुंबर बना सकते हैं ऑल द मोर बेटर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन पाउडर आता है एक चम्मच का, वो डाला है और इनको मिला लिया है। तो हमारा जो फेस मास्क है वो बन गया। तो इस वाले फेस पैक को आप पूरा लगा लेना अच्छे से, अपने फेस को कवर कर लेना, थोड़ी देर के लिए आप इसे रखना 5 to 7 minutes तक। और उसके बाद ऊपर से इसका जो पल्प है, जो बनाना का पल्प है, आप उसे निकाल लेना और अपना मुंह धो लेना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बनाने वाले हैं आइस क्यूब। बट आइस क्यूब में हम सिर्फ एक की बात क्यों करें, जिससे कि कोई मेरे पास आके कॉमेंट में ये ना बोले कि मेरे पास ये नहीं था मेरे पास वो नहीं था। इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे दो तरह के आइस क्यूब। पहले वाले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा का प्लांट अगेन। एलोवेरा का जो प्लांट होता है
इसमें एक येलो पार्ट होता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, तो वो हमें हमेशा रिमूव करना है। उसके बिना ही हमें अपना एलोवेरा प्लांट लगाना होता है। और उसके बाद उसकी साइड्स हटाई थी और उसके अंदर का जो पल्प था, जितना मैक्सिमम पॉसिबल पल्प मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल दिया। और उसके बाद कई बार आप चाकू से निकालते हैं, चाकू से मत निकालना, वो आपके हाथ में लग सकता है। आप स्पून लेना और उससे उसे एक्सट्रैक्ट करना, जिससे कि आपके हाथ में कट्स वूंड्स कुछ भी ना पड़े। और उसके बाद मैंने अपने आइस क्यूब में इसको डाल दिया। मैं ये कहूँगी कि एक एलोवेरा लीफ से कम यहाँ पे 3 आइस क्यूब बन गए थे, या 2 भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एलो लीफ का क्या साइज़ है। आपके कम बन सकते हैं, ज़्यादा बन सकते हैं। मेरे यहाँ पे 2 से 3 आइस क्यूब जो हैं वो बन गए थे। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा दूसरा वाला आइस क्यूब, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बीट रूट। वाई बीट रूट? बीट रूट जो है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको बीट रूट जो है बहुत कमाल के रिजल्ट्स देगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है बीट रूट। आप एक बीट रूट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी पील हम निकाल लेंगे और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट किया है मैंने दूसरी तरफ से और पील मैंने पूरी नहीं निकाली। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कितने ज़्यादा अपना बीट रूट चाहिए। तो मैंने हाफ बीट रूट जो था उसको ग्रेट कर लिया और बाकी का रख लिया। इसको आप एज अ सैलेड या कैसे भी खा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा वाला जो वेजिटेबल है, वो मैंने लिया है टोमेटो। उसमें लाइकोपीन और रेटिनॉल दोनों होते हैं, लेकिन रेटिनॉल आपको टमाटर तभी देता है जब वो आपकी बॉडी में चला जाता है और थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है तब देता है। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो विटामिन सी आपको मिलता है, स्किन एकदम आपकी चमक दमकती है, मतलब स्किन बहुत अच्छा निखार आपकी स्किन में आ जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे एक टमाटर लिया और उसकी थोड़ी सी मैंने यहाँ से कट किया, जिससे कि इसको ग्रेट करना मेरे लिए और इजी हो जाए। तो थोड़ा सा पीस मैंने या थोड़ा सा स्लाइस यहाँ पे कट करके उसको ग्रेट करना शुरू कर दिया। जब मैं इसे ग्रेट कर दूंगी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका इतना सारा पल्प तैयार हो चुका है। तो आपने क्या करना है, इसको लेना है और इसको स्क्वीज आउट कर देना है। स्क्वीज आउट करने के बाद दो जो मेरे आइस क्यूब्स थे वो बन गए थे। अभी इसे आप बेधड़क बिना सोचे एकदम टेंशन फ्री कर सकते हैं, क्योंकि वेदर ऐसा है ना, आपका मन करे उतना आप इसको लगा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते, 15 डेज तक भी आपके ख़राब नहीं होते। अगर आपकी स्किन में लार्ज पोर्स इन सब का इशू नहीं भी है ना, तब भी लगा लेना। आपको इनमें से जो पसंद है आप वो बना सकते हैं, दोनों बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे वीक में 2 से 3 बार एज हाउ यू लाइक इट, उस हिसाब से अपनी स्किन के लिए कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो और निखार पैदा होगा। अगर ग्लो और निखार आप देखना चाहते हैं तो एक ही बारी के यूज़ में आप टोटली कन्विंस हो जाएंगे कि मेरी स्किन में ग्लो और निखार तो आ चुका है। लेकिन अगर आप अपने लार्ज ओपन पोर्स पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको इसकी कुछ एप्लीकेशंस डेफिनेटली कर लेनी चाहिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो ऑयल सेक्रेशन उसका रेगुलेट हो गया और स्किन टाइटनिंग आपको बहुत अच्छी मिली है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, हर बार की तरह अपने कमेंट्स जो आप मेरे पे बरसाते रहते हैं वो फिर से बरसाते रहना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।